करीब 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों पर कश्मीर में आतंकवाद के काले दिनों में ढाए गए जुल्मों पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स देश भर में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन को सबसे पहले विधु विनोद चोपड़ा द्वारा 2020 में बनाई गई फिल्म शिकारा में दिखाया गया था। सिनेमा घरों में आने से पहले फिल्म कश्मीर फाइल्स को कई कानूनी झंझटों से गुजरना पड़ा था। पहले इस फिल्म के खिलाफ यूपी से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि फिल्म के ट्रेलर में दर्शाया गया है कि ये फिल्म मुस्लिमों द्वारा कश्मीरी पंडितों की हत्या के बारे में है, जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था और कहा था कि आवेदक को CBFC द्वारा जारी प्रमाण पत्र को चुनौती देनी चाहिए थी। जाने माने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द कश्मीर फाइल्स 32 साल पहले हुए कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार पर आधारित है। फिल्म का कथानक JNU के एक छात्र दर्शन कुमार के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं। वो प्रोफेसर राधिका मेनन, जिसका किरदार पल्लवी जोशी ने निभाया है, से प्रभावित होकर अपने ही लोगों के नरसंहार के बारे में जानता है। फिल्म का भावनात्मक केंद्र पुष्कर नाथ पंडित, जिसका किरदार दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर द्वारा निभाया गया है, जो एक शिक्षक हैं जिसे उसके बेटे की निर्मम हत्या के बाद उसके श्रीनगर घर से निकाल दिया जाता है। 30 साल बाद उसका पोता कृष्ण, जिसका किरदार दर्शन कुमार ने निभाया है, पुष्कर नाथ की राख लेकर श्रीनगर वापस आता है और अपने दादा के सबसे करीबी दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती, पुनीत इस्सार, अतुल श्रीवास्तव की मदद से उन काले दिनों के बारे में जानता है। जी स्टूडियोज द्वारा निर्मित ये फिल्म 2 घंटे 50 मिनट लंबी है। फिल्म में अनुपम खेर की एक्टिंग की बहुत तारीफ की जा रही है। फिल्म में दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी ने शानदार एक्टिंग की है। बताया जा रहा है कि निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने हिमालय में किसी अज्ञात स्थान पर रहकर फिल्म की पटकथा को लिखा था। विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया था कि उन्होंने 2 साल की रिसर्च के दौरान घाटी से पलायन करने वालों में से 700 से अधिक लोगों से बातचीत की थी। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का काफी पॉजिटिव रिव्यू मिल रहा है। द कश्मीर फाइल्स को सिनेमाघरों में कम स्क्रीन स्पेस मिला है, इसका टिकट मुश्किल से मिल रहा है। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर काफी डिस्कशन हो रहा है, साथ ही कई लोग देश के यूथ को ये फिल्म देखने के लिए तरह तरह के ऑफर्स भी दे रहे हैं। उनका मकसद यह है कि लोग कश्मीर के इतिहास को जानें। ऐसे कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं जो खाने पर डिस्काउंट से लेकर फिल्म देखने के लिए पैसे रिफंड करने की बात कर रहे हैं। फिल्म के मेकर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनकी तस्वीर शेयर करके बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी फिल्म की तारीफ की। फिल्म 11 तारीख को रिलीज हुई है, इसके बाद से चर्चा में बनी हुई है। कई क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि ये झकझोर कर रख देने वाली फिल्म है। फिल्म की तारीफ तो चारों ओर हो रही है, इसके साथ ही बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता परेश रावल ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि अगर आप भारतीय हैं तो इस फिल्म को जरूर देखें। वहीं एक ट्विटर यूजर ने पोस्ट किया, इसके साथ लिखा कि सूरत गुजरात में डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग यूनिट के मालिक राम भाई द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए अपने एम्प्लॉयज को टिकट के लिए पैसे दे रहे हैं। एक और पोस्ट है जिसमें लिखा गया है कि कश्मीर फाइल्स का टिकट दिखाने वाले को खाने पर 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। पोस्ट करने वाले ने लिखा है, बेलगाम में वाकई ऐसा हो रहा है। सिनेमा घरों में फिल्म देखने के बाद किस तरह से लोग अपनी भावनाओं में ओतप्रोत होकर रो रहे हैं, आप भी देखिए। अरे पागल, कविता क्या कर रही है? Actually, nobody has ever tried to do this ever. What you did, it's just an impossible task for everyone. Whatever you did for us, nobody even dared to speak about it. You have that courage. You just have shown it exactly word to word what all has happened. This is the fact story. जो आपने देखा, it's just the one person. You see, बहुत बहुत कुछ है, but so far, no justice, no justice. I haven't seen my home after I left. I've not been there. लेकिन एक बात मन करता है कि जाएं, लेकिन
आज वी हैड टू रिलीव इट एवरीथिंग। आपको लगता है कि इस फिल्म के बाद में कुछ हेल्प मिलेगी? आपका जो दर्द था उसका दर्द का तो मैं जान नहीं ले। सबसे ज्यादा उनको जस्टिस मिले जिनके साथ आपने इतना बेरहमी से देखा कि क्या हुआ। वी हैव ऑल बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट बट सम ऑफ देम हैव बीन टू द एक्सटेंट जो आपने देखा। इसमें जितने भी इंसिडेंट्स थे कुछ भी फिक्शन नहीं है। दिस इज द फैक्ट द सो किलिंग the drum barrel pe jo that's all true but no far aaj tak kabhi maine sunani hai kahin ki kashmiri pandits ko lekar kisi ne kuch kaha ho kabhi kuch hua ho mujhe nahi pata indian parliament mein kabhi kahin kuch hua I never heard yeah, article 370 but whatever those people you have seen please give justice you can help us support and give justice to those people really the victims of this I don't know